फराह खान का पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जो उन्होंने साल 2007 में डायरेक्टर करण जौहर के शो कॉफी विद करण में दिया था। शो के ओनर करण जौहर ने फराह खान से सवाल किया था कि क्या आपने कभी फिल्म के सेट पर दो अदाकारों के दरमियान लड़ाई देखी है। करण जौहर के सवाल का जवाब देते हुए फराह खान का कहना था कि ईयर 1994 में जब वो फिल्म आतिश के एक गाने के लिए कोरियोग्राफर के फराइज सर अंजाम दे रही थी, उस दौरान सेट पर रवीना टंडन और करिश्मा कपूर के दरमियान झगड़ा हो गया था। फराह खान का कहना था कि दोनों अदाकारों के झगड़े ने इस कदर शिद्दत अख्तियार कर ली थी कि करिश्मा और रवीना एक दूसरे को विग यानी नकली बालों से मार रही थी। उनका मजीद कहना था कि करिश्मा और रवीना एक दूसरे को अपनी सैंडल की हील से मार रही थी। अगर वो दोनों आज अपना झगड़ा याद करती होंगी तो वो जरूर हंसती होंगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक करिश्मा कपूर और रवीना टंडन का झगड़ा ईयर 1994 में रिलीज होने वाली फिल्म अंदाज अपना अपना के सेट पर भी पहुंच गया था। दोनों अदाकार सेट पर भी एक दूसरे से बात नहीं करती थी। रिपोर्ट में बताया गया कि फिल्म के हिदायतकार राजकुमार संतोषी करिश्मा और रवीना के झगड़े से तंग आ गए थे और फिर उन्होंने अंदाज अपना अपना के मरकजी हीरो सलमान खान और आमिर खान के साथ मिलकर इन दोनों अदाकारों को खंबे के साथ बांध दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिदायतकार की जानिब से करिश्मा और रवीना को खंबे से बांधने की वजह ये थी कि दोनों अदाकारें आपस में बात करके अपना झगड़ा खत्म करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और अपडेट्स के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।